है दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे टाइटल में लिखा गया है, मिंडा इंडस्ट्री जैसे शेयर में रखे नज़र, हो सकता है तगड़ा फ़ायदा। एक मिड कैप कंपनी है, निफ्टी मिड कैप 100 में आता है। डेफिनेटली ये आपको एक अच्छी रिटर्न दिखा सकता है। इसके रीजन जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देख के जाए। एक मल्टीवैगर स्टॉक भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट है, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 60-70 के आसपास, तो काफ़ी वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम शेयर करूंगा इसके टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है और उसके फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहती है, तो दोनों के माध्यम शेयर करूंगा। छोटा सा रिव्यू ऑफ मिंडा इंडस्ट्री शेयर का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मिंडा इंडस्ट्री के बारे में बता देना चाहता हूँ। मिंडा इंडस्ट्री इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड इट्स एक्सेसरीज। आपका ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स बनाती है और यह इंडिया के साथ साथ बाहर भी इसको भेजती है। तो दोस्तों, स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 13,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जो करंट प्राइस चल रहा है वो 479 के आसपास चल रहा है, 489 के आसपास। एंड दोस्तों, जो उसका ऑल टाइम हाई है 520 के आसपास का है, जो इसने कल ही लगाया अपना हाई ऑल, और जो इसका लो है वो 205 रुपये यानी 205 के आसपास का है अब। और दोस्तों, डिविडेंड यील्ड काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब इन द सेंस कि कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, लेकिन इतना अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रही है कि मैं बोलूँ कि बहुत बढ़िया डिविडेंड पे कर रही है। एटलीस्ट कंपनी कुछ ना कुछ आपको अपने बुक्स के प्रॉफिट से दे रही है, राइट। अब देख लेते हैं स्टॉक में और क्या हमें अच्छा लगता है। तो एक बार देख लेते हैं मिंडा इंडस्ट्री के प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। ये ईयरली प्रॉफिट मैंने खोल रखे हैं मिंडा इंडस्ट्री के। तो आप देख सकते हो स्क्रीन में लगातार मार्च 2010 से लेके 2020 तक के आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ देखने को मिल सकती है, जो नेट प्रॉफिट है लगातार एक ग्रोथ नज़र आ रही थी कुछ सालों तक, ठीक है। ये जो ग्रोथ थी मार्च 2019 के आसपास थोड़ी कम हो गई, इसी वजह से स्टॉक में 2019 के आसपास काफ़ी एक कंसोलिडेशन फेज चला इसका। बहुत लंबे समय तक वो स्टॉक 2018 से लेके 2019 तक एक कंसोलिडेशन जोन में चले गया था। और अब 2020 में आप देख सकते हो उसको ऑलमोस्ट 155 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों, जो प्रॉफिट है वो काफ़ी लास्ट ईयर कंपेरिजन में कम है, आई नो सबको पता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखोगे मार्च 2018 के आसपास की जो सेल्स थी वो ऑलमोस्ट 4400 करोड़ के आसपास थी, लेकिन मार्च 2019 में इसकी जो सेल्स थी वो ऑलमोस्ट 5900 करोड़ के आसपास हो गई। तो मतलब सेल्स में इंक्रीमेंट आ रही है, बस इनको अब करना क्या है, इनको अपने एक्सपेंसेस में कंट्रोल करना। आप देख सकते हो इनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी, अगर एक बार ये अपने एक्सपेंसेस में कंट्रोल पा लेती है तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट आपको अभी दिख रहे हैं 158 करोड़ 286 करोड़, ये डेफिनेटली जंप हो जाएंगे डबल फिगर में। डबल फिगर मतलब जो भी 286 का आपको दिख रहा है, ये प्रॉफिट आपका 500 करोड़ भी हो सकता है अगर ये अपने एक्सपेंसिस में कंट्रोल कर लेती है, को अपने ध्यान देना है अपने एक्सपेंसेस में। थोड़ा एक्सपेंसेस कंट्रोल करेगी तो डेफिनेटली बुक्स में एक अच्छा प्रॉफिट नजर आ सकता है आपको। इंडस्ट्री का मैंने आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न खोला हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दिसंबर 2020 के आसपास वो 70.88% के आसपास है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है कि हाँ, एक बड़ा नंबर प्रमोटर्स का इसको होल्ड करता है स्टॉक को अभी भी। और अगर बात करते हैं आपका FII, आपको पता है बाहर के निवेशक होते हैं, तो इनकी होल्डिंग भी ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 में 9.61% के आसपास ही, तो काफ़ी अच्छा नंबर ये भी है। और दोस्तों देख सकते हो DIIs, इनका दिसंबर 2020 में जो नंबर निकल के आता है, फिगर निकल के आता है होल्डिंग का, वो 10.23% के करीब निकल के आता है, जो लगातार कुछ सालों से ये लगातार स्टॉक को बाय करने में लगे। आप देख सकते हो पहले मार्च 2018 के आसपास इनकी 6% के आसपास की होल्डिंग थी, जो अब होके 10% हो गई है। तो मतलब DIA लगातार अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं, इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, FII का पैसा है, DIA का पैसा है, तो डेफिनेटली आप इसमें बैट लगा सकते हो। और मजेली बात दोस्तों, देख सकते हो जो पब्लिक है, पब्लिक लगातार अपना माल बेच रही है। तो ये माल जो बेचा जा रहा है पब्लिक के द्वारा बेचा जा रहा है, और ये माल को बाय कौन कर रहा है, आपके DIIs बाय कर रहे हैं और प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं और आपका FII बाय कर रहे हैं। इट मीन्स कि पब्लिक से माल निकाल के ये बड़े लोगों की जेब में जा रहा है। इसका मतलब जब बड़े लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना स्टॉक में, तभी पैसा लगाया जा रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रखो, मिंडा इंडस्ट्री शेयर डेफिनेटली इट कुड गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, राइट। प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी अच्छी है, बस एक्सपेंसिस में थोड़ा कंट्रोल करे। शेयर होल्डिंग पैटर्न गजब का है और मार्केट कैप के हिसाब से मिड कैप अभी स्टॉक ये है। तो एज़ पर टिकर टैप, एक स्टॉक मार्केट की काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसके अकॉर्डिंग मिंडा इंडस्ट्री, राइट,
इंटरेस्टिंग वैल्यू के हिसाब से अच्छा नहीं है, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक इतना अच्छा नहीं है। जब स्टॉक 200 रुपये या 250 रुपये के आसपास था तब अच्छा लग रहा था, अभी अच्छा नहीं है। लेकिन रिटर्न वर्सेज एफडी रेट्स, मतलब जो एफडी का रेट होता है उसके अच्छी हर साल ये उससे अच्छी रिटर्न दे रहा है आपको। और डिविडेंड रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया, डिविडेंड का जो उसका पैसा है मतलब डिविडेंड रिटर्न है वो काफ़ी लो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो एंट्री पॉइंट जैसे ये बोल रहे हैं टिकर टैप के अकॉर्डिंग, ये अच्छा लग रहा है एंट्री पॉइंट, क्योंकि अभी ओवरबोट जोन में ट्रेड नहीं कर रहा। तो मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है 479 या 490 के आसपास, ये भी एक अच्छा प्राइस टिकर टैप को लग रहा है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक छोटा चार्ट शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको अपने एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस बताऊंगा, राइट। अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीखो। बात कर लेते हैं मिंडा इंडस्ट्री की न्यूज़ की, इसकी हाल फिलहाल में क्या न्यूज़ चल रही है। तो दोस्तों देख सकते हो कि मिंडा इंडस्ट्री को बाय किया है, बाय मिंडा इंडस्ट्री, टारगेट प्राइस ऑफ 460। रिलायंस सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट दिया 460 रुपये का, जो आ चुका है लास्ट 3 दिन पहले ही दिया था, राइट। तो कहने का मतलब है कि हाँ, जो टारगेट आपको दिए जा रहे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज है, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI डायरेक्ट, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल, जो भी इनके टारगेट देता है इस स्टॉक के ऊपर, उसके टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो मतलब ये स्टॉक एक बड़े जो ब्रोकर हाउसेज है उनके रडार में भी है। तो डेफिनेटली आप सब देख सकते हो और पैसा लगाया जा सकता है इसमें। अब ये बात है कि आपको इस हायर लेवल में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई स्टॉक 52 वीक हाई में चल रहा था तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से वो गिर जाएगा, चांसेस हाई है कि वो गिर भी सकता है, थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट अच्छा रहे तो थोड़ा गिरेगा, उसके बाद वो बाउंस कर जाता है और नए हाई बनाने लग जाता है, राइट। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, MRF लगातार वो नए हाई बना रहा है, राइट। MRF है आपका, आईशर मोटर्स है, बहुत सारे स्टॉक है जो नीचे गिरते हैं फिर जाके एक बाउंस करते हैं और नए हाईज बनाते हैं। तो आपको चार्ट के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि आपको कब एंट्री करना है, कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आपने 450 रुपये में स्टॉक को बाय कर लिया, आप जब ये स्टॉक 200 रुपये आ जाता है तब भी आप उसको होल्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, राइट। आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग यूज़ करना पड़ता है, वो चार्ट के माध्यम से अभी शेयर करता हूँ कि आपको कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब आपको इस स्टॉक से बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, जब अगर स्टॉक नीचे आ जाता है। दोस्तों कोई चीज़ यूनिवर्सल नहीं है यहाँ पर कि भैया ये स्टॉक जाएगा तो जाएगा ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। कभी भी स्टॉक के प्रॉफिट गिर सकते हैं और स्टॉक अपनी औकात में आ सकता है, औकात मतलब जिसका बुक वैल्यू की जो औकात है इसकी 74 रुपीज़, वहाँ आ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से इस चार्ट को देख के अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अब लेके चलता हूँ आपको इसके चार्ट में, ताकि आपको समझ आए कि स्टॉक को चल क्या रहा है। नीचे चार्ट खोला, मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करी है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, राइट। आप देख सकते हो ये जो कैंडल आपको दिख रही है मंथली कैंडल, इसके इसके ऊपर है ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं क्या मानता हूँ कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपको ये स्टॉक यहीं मिलता है 400 रुपये की रेंज में, अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर बेस्ट प्राइस होगा एंट्री करने का, ठीक है, 400 रुपये की रेंज में मिलता है। क्योंकि दोस्तों दोबारा से सपोर्ट ले सकता है इसी ट्रेंड लाइन में, ये स्टॉक नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट ले सकता है दोबारा से। तो 400 रुपये का अच्छा एंट्री वाइज मेरे हिसाब से बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज भी है। अगर आप डेली चार्ट में देखते हो तो ये देख सकते हो, ये डेली चार्ट खुला हुआ है, ये देख सकते हो, ये कंसोलिडेशन फेज था और ये जैसे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक रॉकेट हो गया। तो यही आपको देखना होता है स्टॉक्स में, ये तो एक तरह की ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। लेकिन हमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक बेस्ट एंट्री प्राइस का वेट करना पड़ता है। तो एक जो एंट्री प्राइस निकल के आती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से जो एंट्री प्राइस निकल के आती है, अगर आपको 400 रुपये में ये स्टॉक मिलता है ये इस एरिया के आसपास, ठीक है, तो डेफिनेटली एक अच्छा बैट हो सकता है और आपको एक अच्छे ने दिखा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं फिर स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, मैंने आपको जैसे बताया। तो मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ दो, अगर आप ध्यान से देखोगे मंथली चार्ट मैंने खोला हुआ है, इसमें आपको क्या नज़र आता है, अगर ध्यान से देखेंगे स्टॉक ने मंथली चार्ट में एक बार ही अपना लो ब्रेक नहीं किया। देखिए इस कैंडल का लो देख सकते हो, ये है और हाइस के, ये लगातार लोअर हाइस के पैटर्न बनाने में लगा है, देख सकते हो, एक बार भी अपना लो उसने ब्रेक नहीं किया मंथली चार्ट में। इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, इसका भी ब्रेक 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 नहीं हुआ, मतलब जो बड़े प्लेयर है वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, राइट। इसका ब्रेक नहीं हुआ, इसका ब्रेक नहीं हुआ, इसका ब्रेक नहीं हुआ, इसका ब्रेक नहीं हुआ, देखो इसका भी ब्रेक नहीं हुआ। तो मतलब अगर उन्होंने यहाँ पर बाई किया था तो वहाँ अभी तक यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको 400 रुपये उसको एंट्री करते हो तो अपना जो स्टॉप लॉस लगाओगे इस कैंडल के लो में, आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे जो निकल के आता है 360 के आसपास, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 360 के आसपास रहेगा, ठीक है। इस कैंडल के लो में के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा 360 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपको पता ही है, 400 के आसपास अगर बाई करते हो आप डेफिनेटली आप आराम से 500-600 और मल्टीवेगर रिटर्न के लिए वेट कर सकते हो। और जो तरीका आप यूज़ करोगे वो जैसे ही आपको दिखाया ना, ये लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है मंथली बेसिस में, राइट। तो स्टॉक में भाई डेफिनेटली आप बैट लगा सकते हो, एक आपको अच्छे रिटर्न निकाल सकता है मिंडा इंडस्ट्री, राइट। प्रॉफिट कंपनी के अच्छे है, बस थोड़ा कमी है कि इस कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा है। और दूसरी बात, चार्ट के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, अभी एक अच्छा खासा मंथली इसने ब्रेकआउट दिया है और
कंपनी का जो बिजनेस हो काफ़ी अच्छा है। तो अगर कुछ समझ आया होगा तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच। सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।